हाय दोस्तों, आज हम जो बुक डिस्कस करने वाले हैं उस बुक का नाम है मेड टू स्टिक। ये चीप हीट और डैन हीट ने इस किताब को लिखा है। तो किताब में कहा गया है कि कैसे कुछ आइडिया वायरल हो जाते हैं और कुछ आइडिया ऐसे गुमनामी में खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो क्या बातें और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन और दिमाग पर एक छाप छोड़ जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। तो कई बार हमने देखा है कि महान बातें भी गुमनामी में अपना दम तोड़ देती हैं और एक बेकार सी अफवाह भी जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। आपने सुना होगा कुछ समय पहले मैगी में मिलावट, पेप्सी और कोक में कीटनाशक, और कुछ समय के लिए करोड़ों अरबों का व्यापार ठप हो जाता है कुछ बातों से, फिर बाद में पता चलता है कि सब ठीक ठाक है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि वो जो बात जो लोगों को याद रहती है वो लोग उसे रोचक या दूसरे लोगों के लिए जरूरी मानकर सब जगह फैला देते हैं। तो कुछ साल पहले अमेरिका में एक हेल्थ ग्रुप ने एक अवेयरनेस का कैंपेन शुरू किया कि उन्होंने बताया कि जो मूवी हॉल में मिलने वाला पॉपकॉर्न होता है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा मिला होता है। पर लोगों के दिमाग में ये बात जा नहीं रही थी। फिर एडवर्टाइजर से जब उन्होंने हेल्प ली तो उन्होंने इसको ऐसे बताया कि एक जो मीडियम साइज बटर पॉपकॉर्न आप खाते हो तो वो मैकडी के फूड प्लस फ्राइज प्लस डिनर के मुकाबले कहीं ज़्यादा आर्टरी को क्लॉक करने वाले फैट से भरा होता है, इतना ज़्यादा फैट होता है। तो ये सूचना एकदम से लोगों के दिमाग में चिपक गई, स्टिक कर गई, और फिर वहाँ पॉपकॉर्न के साथ कोकोनट ऑयल को चेंज करके उन्होंने एक हेल्दी एडिटिव डालना शुरू किया। तो ऐसे आइडिया को डिटेल में समझाने का बहुत मन करता है, पर डिटेल में समझाना नुकसानदायक होता है। बल्कि आइडिया को बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बदलो जो एकदम से दिमाग में बैठ जाए। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये इतनी सिंपल हो जाए कि वो बोरिंग लगने लगे। तो अखबार और टीवी न्यूज़ वाले तभी ऐसी कैची लाइंस की खबर डालते हैं कि आप उसे पढ़ें, देखें, और कई बार बैड टाइटल वाली किताब उसके अंदर चाहे कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो पर वो बिकती नहीं है। जैसे एक एयरलाइन ने लिखा, जो साउथ वेस्ट एयरलाइन थी, उसने एक सीधा सरल मैसेज लिखा, द लो फेयर एयरलाइन, यानी कि सस्ते किराए वाली एयरलाइन। तो आपको क्या लगता है कि ये बात लोगों के दिमाग पर चिपकी होगी? हाँ, ऐसे ही ब्रेन जो है बहुत सीधी सरल जानकार बात पर ध्यान देकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, पर जब ब्रेन को कुछ इंटरेस्टिंग अजीब सा दिखे तो वो उस पर ध्यान देने लगता है। उदाहरण के तौर पर जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो एयर हॉस्टेस एक सेफ्टी टिप बताती हैं। तो जो लोग बार बार हवाई जहाज में यात्रा करते हैं वो बोर हो जाते हैं, वो देखते भी नहीं हैं कि एयर हॉस्टेस क्या बोल रही हैं। अब इमेजिन करो कि अगर वो एयर हॉस्टेस बोले कि अपने प्रेमी को छोड़ने के 50 तरीके हैं पर मुसीबत में विमान छोड़ने का केवल एक तरीका है, तो ये एक अनयूजुअल बात है और आपका ध्यान तुरंत उनकी तरफ चला जाएगा। तो आइडियल स्टिक करने के चैलेंज में पहली बात है कि आप पहले लोगों का ध्यान अपनी ओर ऐसी किसी बात से आकर्षित करो और फिर उसके बाद जो आप बताओ वो उनके ध्यान को वहाँ रोके रखे। तो इसका एक तरीका है कि ज़्यादातर लोग एक ऑटोमेटिक ज़िंदगी ऑटो पायलट पर जीते हैं, सब कुछ रोज एक जैसा काम करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है। पर जैसे ही हम उनके दिमाग में कुछ रोचक बात डालते हैं, उनके काम की कुछ ऐसी बात उन्हें बताते हैं, कुछ ऐसी जानकारी देने लगते हैं, तो उनको उसका चस्का लग जाता है, वो उस बात को पसंद करते हैं और उस बात को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो जासूसी मूवी या नॉवेल्स होते हैं या थ्रिलर्स होते हैं वो आपको एकदम से कैच कर लेते हैं। कोई टीवी सीरीज़ होती है जहां आपको रोज़ एक रोमांच रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, किसने कैसे किया होगा। तो बिज़नेस में बहुत से लोग इसे अपनी सेल्स बढ़ाने में यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उन चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है कि अच्छा कैसे हुआ होगा। तो अगर हमने ये पा लिया या ये प्रोडक्ट अगर हमारे लाइफ में आ गया तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। तो ये जो क्यूरियोसिटी गैप है ये बहुत अजीब, रोचक और अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, नॉर्मल नहीं। जैसे अगर आपने एक टैगलाइन बोली किसी सेमिनार में कि क्यों 10% ग्राहक किसी कंपनी को 40% सेल देते हैं, 10% ग्राहक 40% सेल, तो ये सुनकर उस सेल्स प्रेजेंटेशन को हम और जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात होगी। तो आपने देखा होगा कि जब हम डम शराड खेलते हैं तो होता क्या है कि एक व्यक्ति एक गाना सुनता है, फिर इशारों में अपने दूसरे व्यक्ति को जिसे पता नहीं है
अपने दूसरे दोस्त को उसको इशारों में समझाता है, और 50% से ज़्यादा केसेस में दूसरा व्यक्ति अपनी पुरानी मेमोरी से उसके इशारों को मैच करके उसको पकड़ के बता देता है कि हाँ ये वो गाना था। तो अगर इसी प्रकार से हम अपने कस्टमर में या जिसको हम ये मैसेज देना चाहते हैं एक विजुअली ब्राइट इमेज उसके मन में जगाते हैं और बनाते हैं ताकि वो हमारी बात को समझ ले। तो जब हम किसी आइडिया पर लॉजिकली और प्रैक्टिकली बिलीव करने लगते हैं, मतलब हम एक ऐसा आइडिया बना रहे हैं जिससे दूसरा व्यक्ति को जो बात इम्पॉसिबल लग रही थी वो अब बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगे कि हाँ ये संभव तो है, मैंने सोचा तो नहीं था बट ये बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल है, तो वो उसके दिमाग पे एकदम से चिपक जाती है, वो क्रेडिबल और विश्वास योग्य लगने लगती है। तो बातों को और चीज़ों को क्रेडिबल और विश्वास योग्य बनाने के कई तरीके हैं। अगर उस बात को कोई एक्सपर्ट कहे कि अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो पहले ही उस काम को कर चुका है, जैसे डॉक्टर अगर किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हम मानते हैं कि डॉक्टर इस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे, और वाइट कोट पहन के कोई एडवर्टाइज़र ने एक डॉक्टर को बिठा दिया या एक्टर को कि ये चीज़ जो है ये टूथपेस्ट सबसे अच्छा है, तो आप विश्वास करने लगते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा डॉक्टर की या विशेषज्ञ की बात मानी जाए। जो उसका भुक्तभोगी होता है, यानी कोई अगर सीरियस पेशेंट है जो उस प्रोडक्ट की कमी की वजह से वो सीरियस पेशेंट बन गया, तो वो भी अगर आपको बोलेगा कि नहीं मैंने जब से इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है अब मैं उससे काफ़ी बेहतर हो गया हूँ, तो वो भी चीज़ आपके दिमाग पर चिपकती है। तो हम कहें कि आज पूरी दुनिया में जो पहले कभी हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिना था उससे 5000 गुना ज़्यादा बॉम्ब है, तो ये हमारे दिमाग में बात चिपकेगी, समझ में आएगी कि आज कंडीशन कितनी ख़राब है। या देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं वो आप पर कैसे बात डालते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप खुद से पूछो कि क्या आप आज से 4 साल पहले से बेहतर हैं या नहीं। तो अब आप अपने उसको पता है कि आप क्या जवाब सोचोगे, पर जब जवाब आपके अंदर से निकल के आएगा तो आपको वो बात ज़्यादा क्रेडिबल लगेगी। ऐसे ही जब आप किसी से दान मांगने जाते हैं किसी कंपनी के लिए या किसी उत्सव के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो जब आप अपील कर रहे होते हैं तो वो जो अपील है वो लॉजिकल होनी चाहिए, फैक्ट और फिगर वाली एक बात या कहानी होनी चाहिए। जब आप लोगों को ये बात और ये कहानी बना के उन्हें एहसास दिलाते हैं कि आप जो डोनेशन दोगे वो कितना नेकी वाला काम है और आपका जो छोटा सा डोनेशन होगा वो हमारे पूरे काम में कितना महत्वपूर्ण होगा, उस भुखमरी के लिए जो प्राकृतिक आपदा कहीं बाढ़ आ गई है या भूकंप आ गया है उसके लिए कितना ज़रूरी होगा, तो आप दान ईजीली कर दोगे। क्योंकि भावनात्मक अपील करने से जब हम अपनी खुद की आंखों से कोई त्रासदी देख चुके होते हैं या उनके बताने से वो हम विजुअली इमेजिन कर लेते हैं या किसी क्रेडिबल सोर्स से हम सुन चुके हैं कि वहाँ पे बहुत बुरा हाल है, तो हम विश्वास कर लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग एक्शन लें तब हमारे मैसेज के साथ भावना का होना भी ज़रूरी है, वो इमोशंस का होना भी ज़रूरी है। कि जब आप कैंसर के बारे में कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, स्मोकिंग के असर के बारे में चला रहे हैं, तो वो पिक्चर्स जो होती हैं उनका एक भावनात्मक असर पड़ता है, वो लॉजिक से भी ज़्यादा असर पड़ता है। तो भावनात्मक अपील तब बहुत ज़्यादा असर करती है जब हम देखते हैं और सोचते हैं कि इस दुखियारे के स्थान पर अगर हम होते तो पता नहीं क्या होता। ऐसा ही जैसे कुछ साल पहले जब एक निर्भया हत्याकांड हुआ था तो पूरे देश में रोष फैल गया था कि लोगों ने कनेक्ट किया कि उसके साथ हुआ है वो हमारी फैमिली के साथ भी हो सकता है, तो वो चीज़ एक बड़े आंदोलन में बदल गई थी। तो हम ऐसी तस्वीरों को ज़्यादा उत्सुकता से देखते हैं जिससे हम जुड़े होते हैं, जिन तस्वीरों में हम होते हैं उन तस्वीरों को हम और उसमें अपने आप को ढूंढते हैं बहुत ही रोचकता के साथ। तो इन याद करने वाले मैसेज में हमारे लिए क्या है, उस अपील में हमारे लिए क्या है, तो वो तब हम पर ज़्यादा असर डालती है अगर उसमें हम होते हैं, उससे अफेक्ट होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो जब आप कोई नया प्रोडक्ट लाते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्या क्या फीचर हैं और वो आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर वो आपके लिए ज़रूरी हैं तब उस प्रोडक्ट में आपको इंटरेस्ट आएगा। आपने मोबाइल ख़रीदना ही नहीं है और आपने अभी अभी रिसेंटली मोबाइल ख़रीदा है, तो कोई नया मोबाइल कितना ही अच्छा आ जाए आपको उसमें उतनी उत्तेजना नहीं आएगी। तो जो कहानियां होती हैं वो हमारे दिमाग को उत्तेजित करती हैं एक्शन लेने के लिए कि इस कहानी में अगर हम होते तो क्या करते। तो ऐसी एक मजेदार कहानी सबवे बर्गर वालों ने एक स्टोरी बनाई कि कैसे एक मोटे ओवरवेट व्यक्ति ने रोजाना 2 सबवे के मील खाए और वो पतला हो गया। तो ये एक स्टोरी भी है
और अगर हम ओवरवेट हैं तो हम उस कहानी में अपने आप को देख भी पाएंगे और हमें एक रास्ता भी दिख जाएगा कि ये टेस्टी भी होता है और इसे खाने से वेट भी कम होता है। तो ऐसी ही एक कहानी डेविड और गोलियात की है कि कैसे एक कमजोर व्यक्ति एक बड़े व्यक्ति को हराकर विजय प्राप्त कर सकता है। तो लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं, वो अपने आप को डेविड समझते हैं कि हम भी ऐसी बड़ी विजय पा सकते हैं अगर हम एक्शन ले। तो ऐसे ही ऐसी कहानियां जहां एक अजनबी दूसरे की मदद करता है, तो ये हमारे सामाजिक व्यवहार की प्रेरणा देता है कि देखो उसने उसकी मदद की तो हमें भी ऐसे ही मदद करनी चाहिए। या आपने सुना होगा कि न्यूटन के सर पे एक एप्पल गिरा और उस एप्पल गिरने से उसने ग्रेविटी की खोज कर ली। तो लोगों को जिंदगी को अलग तरीके से देखने के लिए, अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए ऐसी कहानियां प्रेरणा देती हैं। तो कुल मिला के फाइनली में अगर हम समरी को बिल्कुल छोटा कंसाइज और कर दें तो सबसे पहला पॉइंट था आइडिया, कि एक आइडिया हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही सिंपल हो और एकदम से आपके दिमाग में घुस जाए, बोरिंग करने वाला नहीं होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि जब आप कोई बात फैला रहे हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड हो, कि हमने सोचा ही ना हो वो कुछ ऐसी चीज आपके सामने ला के रख दें। तीसरा पॉइंट कि चीजें कंक्रीट वे में होनी चाहिए कि हमारी समझ में आए, वो लॉजिकली फिट हो, प्रैक्टिकली भी वो बात फिट हो तो हमें वो इंटरेस्टिंग लगती है। चौथा पॉइंट है क्रेडिबिलिटी, कि जिस सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, कि डॉक्टर ने आपको कोई मैसेज दिया तो आपको विश्वास हो जाए कि डॉक्टर बता रहा है तो ठीक ही होगा। पांचवा पॉइंट इमोशनल, कि अगर भूकंप की त्रासदी के लिए दान मांगने जा रहे हैं तो हमारे इमोशंस उस चीज से जुड़ जाते हैं कि अरे कितना बुरा हुआ है, चलो इनकी मदद कर देते हैं। और छठा पॉइंट है स्टोरी, कि जब हम एक कहानी बनाते हैं उस कहानी में हमने आपको भी डाल दिया तो उस कहानी के साथ मन और दिल छू जाए तो वो चीज़ भी दिमाग पे चिपक जाती है। तो आई थिंक यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द समरी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।